हां जी गाइस, तो कैसे हो आप सब। सो दोस्तों, हमारे मोस्ट ऑफ द डॉग्स ब्रीड की इस सीरीज में बात करने वाले हैं पिटबुल के बारे में, जो कि ब्लैक कलर में है। और सिर्फ इसी ब्रीड में नहीं, बल्कि ब्लैक कलर हर एक डॉग्स ब्रीड में काफी पसंद किया जाता है। तो अगर आप लोग पिटबुल को ब्लैक कलर में परचेज करना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल कम प्राइस में, तो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे आए हैं। क्योंकि अगर आप लोगों का बजट बिल्कुल ही कम है तो भी आप लोग इस पिटबुल को परचेज कर पाओगे। बिकॉज इस वीडियो की जो सबसे स्पेशल चीज है वो इस पिटबुल का प्राइस, जो कि उन्होंने बिल्कुल ही कम रखा है। वैसे दोस्तों, इस पपी का सिर्फ प्राइस ही कम है, क्वालिटी में आप लोगों को जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और वैसे ऐसा प्राइस आप लोगों को बार बार देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भाई कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अपने डॉग सेल करने पड़ जाते हैं, और वो भी बिल्कुल ही कम प्राइस में। तो ऐसा ना सोचें कि आप लोगों को ये पिटबुल कम प्राइस में मिल रहा है तो बाकी के पिटबुल भी आप लोगों को इतने ही कम में मिलेंगे। वैसे गाइस, उन्होंने इस पिटबुल की सभी वैक्सीनेशन कम्प्लीट करा रखे हैं और ये 4 मंथ्स का हो चुका है, एंड शायद आप लोगों को इसका वैक्सीनेशन कार्ड भी मिल जाएगा। बट इसके जो पेरेंट्स की फोटो वीडियोस हैं वो तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप लोग उन्हें देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को डॉग ओनर से डिस्कस करना होगा, नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। वैसे गाइस, अगर अग्रेशन की बात करें तो अभी तक ये पिटबुल बिल्कुल फ्रेंडली है, बट आगे के आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसे कैसे सोशलाइज और ट्रेन करते हैं, उसी के बिहाव पर इसका टेम्परामेंट होगा। बट हाँ, बांधने के बाद ये थोड़ी बहुत बाग जरूर करता है। वैसे गाइस, अगर आप लोग इस पिटबुल को परचेज करते हो तो भाई इसकी भी कुछ नीड्स होती है, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि आप लोगों को पूरी करनी होगी। अगर आप लोग पिटबुल जैसी डॉग ब्रीड को परचेज करके बांध के रखोगे तो शायद ये अग्रेसिव हो जाएंगे और दूसरों के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग इसे घर में खुला रखें, ताकि खुद से खेलते रहें और दूसरे लोगों से भी फैमिलियर हो जाएं और दूसरे एनिमल्स के साथ भी, ताकि किसी के ऊपर अटैक वगैरह ना करें। बाकी पिटबुल एक मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है, ये इतने ज्यादा बड़े नहीं होते और ना इतने ज्यादा बल्कि होते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को इस पिटबुल की बाकी की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता हूं। तो फर्स्टली इसकी एज तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ये 4 मंथ्स का हो चुका है और सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट है। एंड उन्हें की जो लोकेशन है वो है दुबलधर माजरा, झज्जर हरियाणा से। एंड गाइस, डिलीवरी को लेकर आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिलते, तो इसे परचेज करने के लिए आप लोगों को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, तो आप लोगों को डायरेक्ट ओनर को विजिट करके ही इस पिटबुल को परचेज करना होगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। आई एम श्योर आप लोग भी काफी एक्साइटेड होंगे कि भाई इस पिटबुल का प्राइस क्या होने वाला है। जैसा कि मैं बता ही चुका था कि काफी कम प्राइस है, तो दोस्तों ओनर जो इस पिटबुल के प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 5,500 रुपीज, यानी 5,500 रुपए। एंड दोस्तों डोंट वरी, ये जो प्राइस है ये भी फिक्स नहीं है, तो इट मीन अगर आप लोग इस प्राइस में बार्गेनिंग करते हैं तो शायद इसमें भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।